बहराइच जिला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख जिलों में से एक है और बहराइच शहर जिले का मुख्यालय है। बहराइच जिला देवीपाटन मंडल का एक हिस्सा है। बहराइच ऐतिहासिक अवध क्षेत्र भी है। यह जिला उत्तर पूर्व में नेपाल से अपनी सीमाएं साझा करता है। बहराइच जिला का शेष भाग उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से घिरा हुआ है। पश्चिम में लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिला, दक्षिण में हरदोई जिला, दक्षिण पूर्व में गोंडा जिला और पूर्व में श्रावस्ती जिला से घिरा हुआ है। घने जंगल और तेज गति से बहने वाली नदियां जनपद बहराइच की खासियत है। जनपद बहराइच के महान ऐतिहासिक मूल्य के बारे में कई पौराणिक तथ्य है। कहा जाता है कि यह ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा की राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसे गंधर्व वन के हिस्सों के रूप में भी जाना जाता था। आज भी जिले में कई सौ वर्ग किलोमीटर के उत्तर पूर्व क्षेत्र जंगल द्वारा कवर किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने ऋषियों और साधुओं के पूजा स्थल के रूप में इस वन को ढक दिया था, इसीलिए इस जगह को ब्रहिच के रूप में जाना जाता था। मध्य युग में कुछ अन्य इतिहासकारों के अनुसार यह स्थान भार वंश की राजधानी थी, इसीलिए इसे भराइच कहा जाता था, जिसे बाद में बहराइच के नाम से बदल दिया गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन स्वांग और फेहयान ने इस स्थान की यात्रा की थी। प्रसिद्ध अरब यात्री इब्ने बाटुटा ने इस बहराइच की यात्रा की और लिखा कि बहराइच एक खूबसूरत शहर है जो पवित्र नदी सरयू के तट पर स्थित है। लगभग 5237 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए बहराइच जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 34,88,000 थी, जिसमें 18,43,000 पुरुष तथा 16,43,000 महिलाएं थीं। इस जिले में 1,000 पुरुष पर 892 महिलाएं हैं। यहां की साक्षरता दर 70% है। बहराइच जिले की लगभग 91.86% जनसंख्या गांव में निवास करती है तथा 8.14% जनसंख्या शहर में निवास करती है। इस जिले में धार्मिक दृष्टिकोण से 65.71% हिंदू, 33.53% मुसलमान, 0.24% सिख तथा 0.29% अन्य धर्म के लोग निवास करते हैं। बहराइच जिले में बोले जाने वाली प्रमुख भाषाएं हिंदी, अवधी और उर्दू है। बहराइच जिले के कुछ दर्शनीय स्थल, सबसे पहला है दरगाह शरीफ। सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक सूफी संत सैयद सलार मसूद गाजी का यह ऐतिहासिक दरगाह जिला मुख्यालय से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस भव्य दरगाह का निर्माण 1034 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। दूसरा है कार्तिनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य। लगभग 400 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए यह वन्य जीव अभ्यारण्य भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। यहाँ आप घड़ियाल, बाघ, गेंडा, डॉल्फिन, हिरन इत्यादि को देख सकते हैं। तीसरा है सिद्धनाथ मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह प्रसिद्ध मंदिर बहराइच शहर के घंटा घर के पास स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत कालीन इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग की स्थापना अज्ञातवास के दौरान धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई तमाम जानकारियां इंटरनेट के माध्यम से ली गई हैं। यदि वीडियो में कुछ छूट जाए तो मैं क्षमा चाहूँगा। दोस्तों, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ लाते रहते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।